नमस्कार, राजदवा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे दो दिन के दौरे पर भारत आए हैं। शुक्रवार को उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय डेलीगेशन लेवल की बातचीत हुई। इस दौरान श्रीलंका में यूपीआई के इस्तेमाल को लेकर समझौता हुआ। विक्रमसिंघे ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार तरक्की कर रहा है। वहीं दोनों देशों के रिश्तों पर बात करते हुए पीएम मोदी बोले, हमारे संबंध प्राचीन और व्यापक है। श्रीलंका और भारत के बीच हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। पैसेंजर फेरी सर्विस शुरू होगी। इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पर काम होगा। मोदी ने कहा, पिछला एक साल श्रीलंका के लिए चुनौतियों से भरा रहा। हम कठिन समय में वहां के लोगों के साथ खड़े रहेंगे। हमें उम्मीद है कि श्रीलंका की सरकार तमिलों की आकांक्षाओं को पूरा करके समानता, न्याय और शांति के प्रोसेस को आगे बढ़ाएगी। भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और सागर विजन दोनों में श्रीलंका का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।